बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो गाइस, जो आज का ब्लॉग है वो होने वाला है सावन के बारे में। सावन में कॉस्मेटिक शॉप में क्या क्या सामान रखना पड़ता है, क्या क्या सामान सेल होता है, उसके बारे में ब्लॉग होने वाला है। बहुत सारे सब्सक्राइबर के मैसेज आ रहे थे कि सावन पे जल्दी से ब्लॉग बनाओ करके, तो सॉरी मैं जल्दी ब्लॉग नहीं डाल पाई इस बार, ना लेट हो गई हूँ क्योंकि और सामान लाने में कभी किसी चीज़ में बिजी रहे, कभी किसी चीज़ में, तो ब्लॉग भी नहीं बना पाई। और अभी मैं ना खुद ही सामान नहीं ला रही हूँ सावन का कुछ भी, तो जब भी मैं सामान लाऊंगी तो भी आपको दिखाऊंगी। शायद आज या कल तक सामान भी आ जाएगा शॉप में, तो किस टाइप का सामान ला रही हूँ, क्या क्या ला रही हूँ वो भी आप लोग को बताऊंगी। तो बहुत सारे लोगों ने ना इस बीच नई नई शॉप ओपन किया, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग को पता है 15 या 16 तारीख से सावन स्टार्ट हो जाएगा, और ना हम लोग का कॉस्मेटिक शॉप वालों का सीजन भी स्टार्ट हो जाता है क्योंकि सावन से काफ़ी अच्छी सेलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस बीच बहुत सारे लोग नई नई शॉप ओपन करते हैं, तो नए नए में क्या होता है ना, किसी चीज़ का कोई आइडिया नहीं होता है कि सावन में किस टाइप का सामान रखते हैं, क्या क्या सामान ज़्यादा सेल होता है, कम सेल होता है, ये वो करके। तो आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो इसलिए मैं ब्लॉग बना रही हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फटाफट से मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ किस किस टाइप का सामान रखते हैं करके। और गाइस, एक बात बताना भूल गई हूँ, सावन और इसके बाद ना तीज भी आती है, एक हरियाली तीज आती है और एक आती है हड़तालिका तीज। जो हरियाली तीज है वो अगस्त में है और जो हड़तालिका तीज वो सितंबर में आती है। तो कुछ लोग हरियाली तीज मनाते हैं और कुछ ना हड़तालिका तीज मनाते हैं, तो अलग अलग टाइप से मनाते हैं सब लोग। तो हम लोग के यहाँ तो नहीं मनाते हैं, लेकिन हमारी एरिया में ना बहुत सारे लोग हरियाली तीज मनाते हैं। तो उसमें क्या क्या सामान सेल होता है वो भी आप लोग को बताऊंगी। तो सबसे पहले सावन के बारे में आप लोग को बता देती हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग को पता है सावन का मतलब होता है हरियाली, और सावन में जो सबसे ज़्यादा सेल होने वाला कलर है वो है हरा कलर। और हरी हरी चूड़ियाँ सेल होती हैं, हरे हरे कड़े सेल होते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं हरा और लाल दोनों मिक्स पहनते हैं, और कुछ लोग ये प्लेन रेड, प्लेन येलो और प्लेन ग्रीन, ये तीनों कलर मिक्स करके पहनते हैं। अभी आप लोग को तीनों मिक्स करके भी दिखाऊँगी, कितनी सुंदर सुंदर लगती हैं ये भी। तो सब लोग की अपनी अपनी चॉइस है, तो सब अपने अकॉर्डिंग पहनते हैं। और सबसे ज़्यादा रेड कलर ही सेल होता है, ये ग्रीन कलर सेल होता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ग्रीन कलर की चूड़ियाँ पहनते हैं ना, और इनके आगे पीछे से रेड कलर के कड़े लगा लेते हैं, तो वो भी काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो कुल मिला के ग्रीन और रेड दोनों सेल होता है, लेकिन आप ज़्यादातर ग्रीन लाना क्योंकि रेड थोड़ा सा कम सेल होता है और ग्रीन ही ज़्यादा सेल होता है। क्योंकि सावन में ना क्या होता है, पूरे सावन में एक न एक बार हर लेडी ग्रीन कलर की चूड़ी या कड़े जरूर पहनते हैं। हमारे यहाँ बहुत चलते हैं ग्रीन कलर की चूड़ियाँ वगैरह। तो अभी कल परसों तक मेरा सामान भी आ जाएगा, क्या पता आज या कल ही आ जाए, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी किस किस टाइप का सामान लाई हूँ करके। तो अभी मेरे पास ना इसी टाइप के कड़े पड़े हुए हैं, तो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये कितने सुंदर सुंदर से कड़े हैं। तो अभी चूड़ियों के साथ लगा के भी आप लोग को दिखाऊं कितनी प्यारी प्यारी लगते हैं। तो इसमें 50 रुपये और 100 रुपये दोनों सेल होने वाली चूड़ियाँ हैं, देखो रेड कलर के, रेड के साथ, क्योंकि रेड ग्रीन का कॉम्बिनेशन भी काफ़ी सुंदर लगता है, इसलिए सब लोग मिक्स करके पहन लेते हैं कोई कोई। और कुछ लोग खाली कड़े कड़े ही डाल लेते हैं, ये सिंगल सिंगल मोटे मोटे या चार चार कड़े, दो दो कड़े इस टाइप से। तो ये इस टाइप के आप लोग कड़े वगैरह ला सकते हो। और ये देखो, इस टाइप से ना ग्रीन कलर की चूड़ियाँ ला सकते हो, कितनी सुंदर सुंदर सी चूड़ियाँ हैं देखो। और एक है मल्टी कलर की है, मल्टी कलर की चूड़ियाँ तो ना पिछली बार मेरी शॉप में बहुत ज़्यादा सेल हुई थी, और इस बार देखते हैं कौन सी चूड़ी नई आ रखी है, कौन सा डिज़ाइन नया आया है करके। और ये रेड येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही प्यारा लगता है, और कुछ लोग तो खाली प्लेन ग्रीन पहनते हैं, और कुछ लोग ये तीनों मिक्स करके पहनते हैं, और कुछ ना ग्रीन और जो ग्रीन और रेड कलर की चूड़ियाँ मिक्स करके पहनते हैं, और कुछ तीनों को मिक्स करके पहनते हैं। तो अभी तीनों को मिक्स करके भी दिखाती हूँ। यही नंबर रख लेना 2426 28, और जो मेन जो सबसे ज़्यादा सेल होने वाला साइज है वो है 2426 और 28 भी रखना, क्योंकि कुछ कुछ लोग वैसे तो हमारे यहाँ तो बहुत हैं 28 वाले, 210 वाले भी आते हैं, लेकिन 210 की चूड़ियाँ तो मिलती नहीं है अच्छी अच्छी, तो इसलिए मैं 210 की तो लाती नहीं हूँ, 28 तक ही लाती हूँ। लेकिन आपको 24 और 26 में ज़्यादा वैरायटी लानी है, 28 में थोड़ा कम ला सकते हो। और इसके भी प्लेन के भी 2426 28, और आप लोग दो दो के भी कुछ साइज ले आना और अपने हिसाब से, बहुत सारे मल लाने लेकिन कुछ कुछ ला सकते हो।
और उसके बाद सेल होते हैं ये मेहंदी। सावन में मेहंदी बहुत सेल होती है, तो मेहंदी आप नीता की रख सकते हो, सिल्वर गोल्ड रख सकते हो, और इस टाइप से कावेरी रख सकते हो, प्रेम दुल्हन रख सकते हो, बहुत सारी आती, कोकिला आती है। आप लोग की एरिया में जो मेहंदी सबसे ज़्यादा सेल हो आप वो रख सकते हो। और गैज उसके बाद आप अपनी शॉप में ग्रीन कलर की नेल पेंट ज़रूर रख लेना, 20 रुपये, 30 रुपये और 50 रुपये सेल होने वाले में, और आपका जैसा एरिया है उस अकॉर्डिंग रख लेना, क्योंकि मेरे कहने से तो कुछ नहीं होगा, आपको अपने एरिया के अकॉर्डिंग रखना है, लेकिन रखनी ज़रूर है नेल पेंट। और वैसे ना लोग ग्रीन नेल पेंट थोड़ा सस्ती खरीदते हैं, क्योंकि ये ना बाद में काम लगाने का मन तो करता नहीं है, सिर्फ सावन में लगाने का मन करता है, तो इसलिए आप 20-30 रुपये ही रख सकते हो अगर आपकी स्टार्टिंग की शॉप है। तो इस टाइप से आप ग्रीन कलर ज़रूर रख लेना, क्योंकि ग्रीन कलर की नेल पेंट भी लोग बहुत मांगते हैं। और उसके बाद मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ, इस टाइप से आप ना ग्रीन कलर की बिंदियाँ ज़रूर रख लेना, एक प्लेन में और इस टाइप से स्टोन वाली। तो ये देखें, इनमें ना सारे साइज होते हैं जिसको जैसे लगाने। तो ये ना कस्टमर लेते हैं ये बिंदी, नेल पेंट और चूड़ियाँ, तो यही सामान सबसे ज़्यादा सावन में सेल होता है, तो आप ये चीज़ें ज़रूर रख लेना। और उसके बाद आती है तीज, तो तीज में तो लेडीजें फास्ट वगैरह रखती हैं, तो उसमें ना सुहाग का सारा ही सामान रखती हैं। तो मैं आपको बता दूँ, आपको तीज में हरी चूड़ियाँ ज़रूर रखनी है, हरे लाल कड़े ज़रूर रखने हैं, और उसके बाद रखना है आपको ये हरे हरे रबर बैंड रखने हैं, क्योंकि ये ना जब सुहाग का पूरा सामान रखते हैं तो उसमें सारी हरी हरी चीज़ें रखते हैं। उसके बाद मेहंदी तो रखनी ही रखनी है आपको तीज में भी, और उसके बाद ये रखने पड़ते हैं सिंदूर, इसमें रेड मरून दोनों टाइप के सिंदूर रख लेना आप अपनी शॉप में, तो सिंदूर वगैरह काफ़ी सेल होता है, और नेल पेंटें काफ़ी सेल होती हैं। कुछ लोग ग्रीन लगाना पसंद करते हैं, तो कुछ ना कलरफुल भी लगाते हैं। और गाइस आप लोग को एक बात और बता दूँ, मैंने ना नेल पेंट का स्टैंड लगा दिया है, तो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे तो काफ़ी सुंदर लग रहा है, आप लोग देख सकते हो, और इसमें ना नेल पेंट लगाई हुई काफ़ी प्यारी लग रही हैं, और यहाँ पर स्पेस पूरा भर जाता था, तो अब स्पेस भी कम भर रहा है और सुंदर भी लग रही है ये देखो। तो इसलिए आप लोग भी अगर अपनी शॉप पे स्टैंड लगाना चाहें तो इससे ना नेल पेंट की सेल बहुत बढ़ जाती है, मैंने ऐसा देखा है। तो मैं कल ही लाई इसको, लेकिन लोगों को ना इसमें देखो कलर क्योंकि साफ दिखते हैं ना दूरी से, तो कस्टमर पसंद कर लेते हैं, और कितनी प्यारी प्यारी नेल पेंट लग रही है आप लोग देख सकते हो। तो जो जो भी मैं शॉप में कुछ नया लाती हूँ तो आप लोग को दिखाते रहती हूँ। तो इस टाइप से भी आप लोग अपनी शॉप में अच्छी खासी नेल पेंट की वैरायटी बना के रख लेना, क्योंकि उस टाइम पे कुछ तो ग्रीन लेते हैं और कुछ लोग ना कोई सा भी कलर ले लेते हैं। तो यही चीज़ें हैं जो तीज त्योहारों में सावन वगैरह और तीज में सेल होती हैं। और उसके बाद आगे का सामान दिखाती हूँ और क्या क्या सेल। और गाइस उसके बाद तीज में सेल होता है, जैसे सुहाग का सारा सामान मैंने आपको बताया वो सेल होता है, तो इस टाइप की रेड और मरून कलर के आप लोग लिपस्टिक ज़रूर रख लेना। ये तो मैं आपको सस्ती वाली दिखा रही हूँ, क्योंकि वैसे तो ज़्यादातर लोग ना मैंने देखा है कि पूजा वगैरह में और ये व्रत वगैरह में जो भी चढ़ाने वाला सामान होता है सारा 10-20 वाले ही ले जाते हैं, मैंने इतना देखा है। और आप लोग के यहाँ क्या होता है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो कुछ लोग ही हैं, मतलब कुछ लोग आते हैं जो 150 वाली ले जाएंगे, वरना सबको 10-20 रुपये वाली चीज़ें ये होती हैं। तो इस टाइप से ये लिपस्टिक रख लेना, नेल पेंट रख लेना, और कुछ लोग इस टाइप से मेहंदी का पाउच ले जाते हैं ये रख लेना, और कीप तो मैंने आपको बताई थी कीप भी ले जाते हैं, और उसके बाद ये बिछे ज़रूर रख लेना सुंदर सुंदर डिजाइन, और कॉम ले जाते हैं, और उसके बाद ना ये बिंदी वगैरह भी ले जाते हैं तीज में, और ऑयल ले जाते हैं, और उसके बाद कुछ पायल वगैरह भी पहनते हैं, क्योंकि ना उसमें भी करवा ये भी सब करवा चौथ की तरह ही होता है, सारा ही सुहाग का सामान जाता है इसमें, सिर्फ करवा चौथ में रेड कलर ज़्यादा सेल होता है और तीज में क्या होता है ग्रीन कलर ज़्यादा सेल होता है। तो पायल की भी अच्छी खासी वैरायटी बना के आप अपने शॉप में रख लेना। और कुछ एरिया में क्या होता है ना तीज बहुत ज़्यादा मनाई जाती है, तो वहाँ तो करवा चौथ के टाइम की जैसी भीड़ लगे रहती है शॉपों में, तो हमारी साइड को क्या होता है करवा चौथ ज़्यादा मनाते हैं और तीज कम लोग मनाते हैं, जैसे गढ़वाली कुमाऊनी लोग हैं तो वो नहीं मनाते हैं, इस चक्कर में थोड़ा मतलब नॉर्मल रहता है काम, बहुत ज़्यादा नहीं होता करवा चौथ के टाइम का जैसा। तो आप लोग के यहाँ कैसा रहता है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यही सारा कुछ सामान सेल होता है तीज और सावन में, आप लोग को आई होप कि समझ आ गया होगा, और आप लोग फिर से देख लीजिए ये सारा सामान आप लोग को अपनी शॉप पे ज़रूर रखना है। तो उसके बाद ना कुछ मैं सेट बना के आप लोग को दिखा देती हूँ। ये देखिए कुछ लोग ना इस टाइप से पहनना पसंद करते हैं, और कितनी सुंदर लग रही लाल हरी चूड़ियाँ, और बहुत सारे लोग जैसे हम लोग भी ना चूड़ियाँ नहीं पहनते, तो सावन में हम लोग भी काफ़ी चूड़ियाँ पहनते हैं भर भर के,
तो ये देखो कितनी प्यारी प्यारी लग रही है। और एक बार ना इसमें येल्लो मिला के दिखाती हूँ आप लोग को, कुछ लोग येल्लो भी मांगते हैं, तो आप लोग इस टाइप से सेट बना के अपने कस्टमर को जरूर दिखाना। ये तीनों का कॉम्बिनेशन भी ना कितना सुंदर सा लग रहा है। तो इस टाइप से सेट बना के आप अपनी शॉप पर रख भी सकते हो, क्योंकि कस्टमर को दिखाने के लिए ना काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये देखिए, और आप लोग भी लेडीज हो तो शॉप में पहन के बैठिए, क्योंकि देख के भी ना कस्टमर जल्दी से पसंद कर लेते हैं कि इस टाइप का हमें भी दे दो करके। और ये देखो, तो कौन सा वाला सेट ज़्यादा सुंदर लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस टाइप से कस्टमर सावन में पहनना पसंद करते हैं, और कुछ लोग खाली हरी हरी ही पहनते हैं। तो ये सारा कुछ मैंने आप लोग को दिखा दिया है। तो रेड ग्रीन अच्छा लग रहा है या रेड ग्रीन येल्लो अच्छा लग रहा है, दोनों में से कौन सा वाला सेट ज़्यादा प्यारा लग रहा है वो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना ना। इस टाइप से आगे पीछे से कड़े भी लगाते हैं चूड़ियों के, तो किस टाइप से, मेरे को तो ना खाली प्लेन ही अच्छी लगती हैं, वैसे सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो इस टाइप से भी लोग ना पसंद करते हैं, और कुछ लोग इनके साथ रेड कलर के लगाते हैं। आप लोग को रेड कलर भी लगा के दिखा देती हूँ इस टाइप से। तो इसलिए आप लोग को अपनी शॉप पे सावन का अच्छा अच्छा सा सामान रखना है, जो कि कस्टमर को ना एक ही बार में पसंद आ जाए अच्छे से। और सुंदर सुंदर सी चूड़ियाँ ज़रूर लानी है, क्योंकि चूड़ियाँ तो हर लेडीज पहनती है। सो गाइज, ये देखिए, इस टाइप से आप लोग ना गुच्छे वाली चूड़ियाँ भी ला सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे यहाँ गुच्छे कम सेल होते हैं, इसलिए मैं डिब्बे लाती हूँ। और अगर आप लोग के यहाँ गुच्छे सेल हों तो आप लोग गुच्छे ले आना। तो अब ये सारा सामान मैं समेटती हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये सारा सामान मैंने आप लोग को दिखा दिया है, और आप लोग जो जो न्यू शॉपकीपर हो, इस सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लेना, और इस टाइप से अपनी शॉप पे सावन और तीज में ये सामान ज़रूर ले आना। सो गाइस, सावन और तीज में जो जो सामान सेल होता है वो सारा कुछ मैंने आप लोग को दिखा दिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस बार ना सावन का सामान लाने में मैं भी लेट हो गई हूँ, लेकिन आप लोग भी जल्दी से जल्दी ले आइए अब एक दो दिन के अंदर, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, सामान छट जाता है और कई साइज़ ख़त्म हो जाते हैं। किसी का 2-4 ख़त्म हो जाएगा, किसी का 2-8 ख़त्म हो जाएगा, तो पूरा अच्छे से सामान मिल नहीं पाता है। तो इसलिए आप लोग भी टाइम पर अपनी शॉप पर सामान भर लीजिए, क्योंकि ना सावन काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। एक महीने का सावन हो गया, उसके बाद तीज वगैरह आती है, तो ये मतलब लंबे टाइम तक हरी चूड़ियाँ सेल होती है, 1-1.5 महीने तक। तो इसलिए आप लोग अपनी शॉप पे अच्छा अच्छा सा सामान ले आइए। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये चूड़ियाँ कितने रुपए दर्जन सेल होती हैं करके, ये नहीं बताया मैंने आपको। तो प्लेन चूड़ियाँ जो हैं वो 20 या 25 रुपए सेल होती हैं, और मीने वाली भी हमारे यहाँ 25 रुपये 30 रुपये इस टाइप से ही सेल होती है। 30 तो कोई देता नहीं है, 25 ही देते हैं। तो बस 20-25 रुपये दर्जन ये चूड़ियाँ सेल होती हैं। लेकिन उस टाइम पर क्या होता है ना, शॉप में चूड़ी पहनने वालों की और कोई तो डिब्बे 2-2, 3-3 डिब्बे ले जाते हैं, तो सेल अच्छी हो जाती है। भले ही मार्जिन कम मिलता है, अगर अच्छी क्वांटिटी में सेल हो जाती है तो प्रॉफिट अच्छा हो जाता है। तो यही है सावन और तीज के बारे में वीडियो। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। जो जो भी न्यू शॉपकीपर हो, आप एक लड़ी, जैसे बिंदी है, बिंदी आप एक लड़ी प्लेन वाली ले आना, एक स्टोन वाली ले आना, उसके बाद 1-2 दर्जन। आप लोग स्टार्टिंग है ना, तो स्टार्टिंग में इतने लोग भी नहीं आते हैं, तो 1-2 दर्जन ही आप ग्रीन कलर की नेल पेंट ले आना, वो भी 20-30 रुपये सेल होने वाली। और उसके बाद ग्रीन कलर की चूड़ियाँ ले आना, वो भी बहुत ज़्यादा भर भर के मत ले आना, क्योंकि स्टार्टिंग है, वैसे तो काम ही आ जाती है, ग्रीन चूड़ियाँ भी बिकते रहती है, ज़्यादा नहीं भी तो कभी कभी लोग मांगने आते हैं। और प्लेन ग्रीन तो सेल होता ही है पूरे साल भर, क्योंकि लोग पहनते हैं, लेकिन महीने वाली थोड़ा कम चलती है। तो अगर बच भी गया तो आप लोग को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं वैसे। तो यही है सावन और तीज के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया। तीज तो सुहाग, तीज में क्या होता है, ग्रीन कलर की चूड़ियाँ तो सेल होती हैं, उसके बाद ना सुहाग का सारा सामान सेल होता है, इसलिए तीज में काफ़ी अच्छी सेलिंग होती है। और गई चूड़ियाँ तो और भी कई टाइप की आती है, कटिंग वाली आती हैं और भी स्टोन वगैरह वाली आती हैं, लेकिन ना कस्टमर पैसे देते हैं नहीं 25-30 रुपये से ऊपर, तो इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं लाती हूँ। और कटिंग वाली भी आज तक मैं लाई नहीं हूँ, देखती हूँ इस बार थोड़ा बहुत ला सकती हूँ, अगर लाऊँगी तो आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी। तो यही थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।